एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भारत सरकार द्वारा एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है जिसे कहते हैं दिल्ली मेरठ RRTS। फेज वन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 रूट पे RRTS की ट्रेन, यानी कि जिसे कि नमो भारत कहते हैं ना, उसे चलाने का ऐलान किया गया था। पहला रूट था दिल्ली से मेरठ तय हुआ था, दूसरा तय हुआ था दिल्ली से पानीपत, और फिर तीसरा तय हुआ था दिल्ली से लेकर वाया गुड़गांव होते हुए अलवर। अभी फिलहाल इसका जो सबसे पहला रूट है दिल्ली से मेरठ, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और इनफैक्ट उसका जो 82 किलोमीटर का हिस्सा है उसमें से 17 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार है। फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, उसके ट्रेन में आप ट्रेवल कर सकते हो। आने वाले कुछ महीनों में 20 किलोमीटर और तैयार हो जाएगा, मतलब उस पर भी ट्रायल रन चल रहा है, उस पर भी आप सर्विस कुछ दिनों में अवेल कर सकते हो अगले 20 किलोमीटर पे। अभी जो फिलहाल आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिखाने वाला हूँ, वो दिखाने वाला हूँ इसके दिल्ली वाले हिस्से का कि कितना कुछ काम हुआ है। और दिल्ली में ये जो स्टार्ट होता है इस जगह से, सराय काले खान से, इस पे क्या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है उस पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि क्या कुछ है ये पूरी परियोजना। ये जो RRTS की परियोजना है दोस्तों, ये दिल्ली से मेरठ आपको एक घंटे से भी कम वक्त में पहुंचा देगी। इसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वो डिजाइन इसको किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ने के लिए। ऑपरेशनल स्पीड भी अभी भी अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो 150 की स्पीड से तो ट्रेन दौड़ती ही है इस पे, जो कि RRTS की है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये जो RRTS के जितने भी स्टेशन होंगे, वो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम हैं उन सभी से कनेक्ट होंगे। जैसे कि दिल्ली मेट्रो से भी कनेक्टिविटी मिलेगी आपको, आपको रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको रोड से भी कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसों से भी कनेक्टिविटी मिलेगी, और साथ ही साथ एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी मिलेगी। और एयरपोर्ट की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए भी RRTS का नया रूट पे काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो गाजियाबाद का जो स्टेशन है जो कि फंक्शनल है, उससे लेकर और जेवर तक एक नया रूट बनाया जा रहा है। तकरीबन 75 किलोमीटर का हिस्सा वो पूरा होने वाला है जिससे जेवर एयरपोर्ट को आप कनेक्ट कर सकते हो। और दिल्ली से अलवर जो रूट जा रहा है वो रूट वाया गुड़गांव और दिल्ली होकर जो जा रहा है, तो दिल्ली के एयरपोर्ट से जा रहा है, तो आप एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो वो भी जा सकते हो RRTS की मदद से। अब आपका सवाल ये होगा कि यार अगर मैं जेवर से जाना है एयरपोर्ट मान लो दिल्ली वाले पे, तो मुझे ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन भाई बता दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये RRTS है, ये मेट्रो नहीं है। मतलब मेट्रो में ऐसा होता है कि आपको एक रूट से दूसरे रूट या एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, राइट। स्टेशन पे उतरो, फिर जाके अगले मेट्रो में बैठो और फिर जाके ट्रेवल करो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ट्रेन ट्रैक चेंज करेगी, आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाले को, तो आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक दो मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि गाजियाबाद से होकर जाएगा तो आपको एक दो मिनट एक्स्ट्रा तो लेगा ही है, लेकिन आपको ट्रेन चेंज करने का कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जेवर एयरपोर्ट से बैठो और सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी वाले पे पहुंच जाओ। तो इन दोनों एयरपोर्ट को भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, मेरठ से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, पानीपत से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, अलवर से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, अलवर जो कि राजस्थान में आता है। तो इस जगह पर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और यहीं से दिल्ली में ये ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। इनफैक्ट आपको बता दूं, जितने भी रूट अभी प्लान है, चाहे वो दिल्ली से पानीपत हो, मेरठ हो या फिर अलवर हो, उन सभी का स्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे होने वाला है जो आप देख रहे हैं इस वक्त पे। और इसी वजह से इस स्टेशन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत विशाल है। अब स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो यहां पर ये जो स्टेशन बनाया जा रहा है इस पे लगभग अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है स्टेशन वाले हिस्से पे, वो पिलर तो बनकर तैयार हो चुके हैं, कॉन्कोर्स का हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है, इस पे जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा वो भी बनकर तैयार हो चुका है। वैसे ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं इस पे जो डेडलाइन है वो 2025 का है, लेकिन आज जो मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि इसी साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, और साल के एंड होने से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा ये मुझे लगता है। ये आपको भी लग जाएगा जब आप कंस्ट्रक्शन का काम देखोगे तो। प्लीज वीडियो के लास्ट में कमेंट करके भी बता देना कि आपको क्या लगता है। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो स्टेशन के ऊपर आपको दिखेगा कि स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से यहाँ पर प्लेटफॉर्म को जो कवर करना है उसकी तैयारी की जा रही है। और ये जो डिजाइन है थोड़ा यहाँ पर स्टेशन का आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है जो कि एग्जिस्टिंग अभी जो उसके स्टेशन बनाए गए हैं उसके मुकाबले। तो यहाँ पर स्टील का ये पूरा स्ट्रक्चर इंस्टॉल ऑलमोस्ट कर दिया जा चुका है और अब इसके ऊपर इसको कवर करने का काम किया जाएगा। और मैं बता दूं ये जो सराय काले खान का स्टेशन है या इनफैक्ट ये दिल्ली मेरठ RRTS रूट पे जितने भी स्टेशन होंगे उन सभी पे सोलर प्लेट लगाए जाएंगे
यानी कि ग्रीन एनर्जी से ही इसके जितने भी लाइट हैं या फिर जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उनको ऑपरेट किया जाएगा। तो सोलर पैनल स्टेशन बनने के बाद यहाँ पर लगाए जाएंगे और इनफैक्ट जो स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं उन पर लगा भी दिए जा चुके हैं। इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर आगे एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे के इस तरफ तो नहीं जाने वाला है, ये गाजियाबाद जाएगा दूसरी तरफ से। लेकिन फिलहाल एक्सप्रेसवे से पहले थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा हिस्सा रखा है स्टेशन के आगे ताकि ट्रेन स्टेशन पर आपको जब गाजियाबाद की तरफ से आए या दिल्ली एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की तरफ से आए तो आपको यहाँ पर डीबोर्ड कराएगी, फिर ट्रेन आगे थोड़ी जाकर और वापस दूसरी तरफ ट्रैक चेंज करके आए। तो इस वजह से थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर रखा गया जिसके पिलर निर्माण का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा जो रेलवे स्टेशन है उससे भी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो ये जो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन देख रहे हो उससे इस स्टेशन को आरआरटीएस के स्टेशन को कनेक्ट किया जाएगा फुटओवर ब्रिज के माध्यम से। साथ ही साथ ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेट्रो का ये जो स्टेशन है एक्टिव है, इसको भी कनेक्ट करेंगे फुटओवर ब्रिज के माध्यम से। तो इन दोनों को आसानी से कनेक्टिविटी दी जा सकती है फुटओवर ब्रिज के माध्यम से, उसका निर्माण भी किया जाएगा। और जो रोड है रोड के तो दोनों तरफ से आप कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ स्टेशन के नीचे ही आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। और इस तरफ जब चलेंगे तो इसी तरफ ये आगे की तरफ लाइन जा रही है और जब हम और आप इस तरफ चलेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टेशन को जैसे आप क्रॉस कर जाओगे ना तो उसके बाद के जितने भी पिलर्स हैं वो बन चुके हैं, पिलर को कनेक्ट करने का काम भी इनफैक्ट कर दिया जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ लॉन्चर आपको दिखता है जो 12 पुलर जो फ्लाईओवर है उसके ठीक ऊपर लॉन्चर पहुंच चुका है, जहां पर कुछ ही पिलर रह गए हैं जिनको कि कनेक्ट करना है। उसके बाद इस लॉन्चर को भी यहां से हटा दिया जाएगा और इनफैक्ट 12 पुलर फ्लाईओवर के ऊपर जो एलिवेटेड काम किया जाना था, पिलर के ऊपर जो काम किया जाना था, उसका हिस्सा भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और ये इस जगह पर 12 पुल्ला पे अगर आप ड्रोन शॉट देखोगे, इस जगह का नज़ारा देखोगे तो बहुत कमाल का है, मतलब इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल का आपको दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ फ्लाईओवर्स है और दूसरी तरफ इन फ्लाईओवर्स को क्रॉस करता हुआ आरआरटीएस की लाइन भी आपको दिखेगी जिसमें ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है। और ये है भी भाई, इसी तरफ ये आगे की तरफ जा रहा है गाजियाबाद को, यमुना रिवर को क्रॉस करते हो और इस तरफ जब आप आगे बढ़ोगे ना तो पूरा हिस्सा बनकर ये तैयार हो चुका है। अब इस पे जो काम आपको देखने को मिलेगा वो ट्रैक इंस्टॉल करने का है और उससे पहले ट्रैक स्लैब इंस्टॉल करने का है, फिर ओवरहेड वायरिंग का काम उस पर किया जाएगा और इसी तरफ ये आगे चलने वाला है। तो हम और आप भी इसी तरफ आगे चलते हैं और इसके बाद के जो अगला स्टेशन है उसका काम देखते हैं। सराय काले खां के बाद जो अगला स्टेशन आता है वो ये है न्यू अशोक नगर का। जैसा कि मैंने आपसे कहा मेट्रो से भी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो ऑलरेडी न्यू अशोक नगर में मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन से इसको कनेक्ट किया जाएगा भाई अगेन फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से। इसी वजह से देखोगे तो ये जो कॉन्कोर्स का एरिया है इसको स्टेशन के हिस्से से थोड़ा सा आगे इसको लिया गया है ताकि आसानी से ये जो मेट्रो स्टेशन है उससे कॉन्कोर्स एरिया को कनेक्ट किया जा सके। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये स्टेशन कंपेयर टू लास्ट जो स्टेशन दिखाया है उससे मुकाबले इस पर भी सिविल वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर देखोगे तो अच्छा खासा काम भी हो चुका है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पेंट करने का जो काम है स्टेशन का वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है और पिलर को पेंट करने का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। सिविल वर्क का काम इस पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो मेजर काम इस स्टेशन पे आपको देखने को मिलता है वो पार्किंग वाले हिस्से में देखने को मिलेगा और यहाँ पर 110 मीटर लंबा ये पूरा पार्किंग का हिस्सा तैयार कर रहे हैं और उसी पे पार्किंग के फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जो वॉल यहाँ पर क्रिएट करना है पार्किंग एरिया को कवर करने के लिए वो वॉल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई जानी है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा जिसके ऊपर टीम काम कर रही है। कॉन्कोर्स एरिया लगभग बनकर तैयार हो चुका है। प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपको दिखेगा कि स्टील के स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। स्टेशन के ऊपर अगर काम की बात करूँ तो स्टील का स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी मदद से प्लेटफॉर्म वाले हिस्से को कवर किया जा सके और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता भी है। लास्ट अपडेट में ये स्टार्ट किया गया था लेकिन आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टील के स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं जो कि यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए जा चुके हैं और स्टेशन का हिस्सा जैसे कि मैंने आपसे कहा ये तो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। स्टेशन से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको दिखता है
कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से ट्रैक स्लैब का भी आपको काम दिखेगा जो कि ट्रैक स्लैब डाल दिया जा चुका है, और यहाँ पर अब जो ट्रैक इंस्टॉल करने का काम है वो भी आपको दिखेगा जो कि कर लिया जा चुका है। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ओवरहेड वायरिंग का जो काम है ना वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और इसी तरफ ये आगे जाने वाला है और अगला जो स्टेशन होगा वो होगा आनंद विहार का, जो कि अंडरग्राउंड होगा, और कंपनी SSA पे जो काम कर रही है वो है एफकॉन। तो चलिए इसके अगले स्टेशन पे देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। न्यू अशोक नगर स्टेशन के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो जगह है कल्याणपुरी चौक के पास, यहाँ पर स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है, और इसी के बाद आता है आनंद विहार का स्टेशन, और इस स्टील ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जो ट्रेन है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। स्टील ब्रिज का जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों, और इस जगह पर लास्ट अपडेट में जहां पर आपको दिख रहा था कि कुछ हिस्से थे स्टील ब्रिज के जिसके ऊपर फ्लोर वर्क का काम किया जाना था, आज अगर वही आप देखोगे तो वो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि स्टील ब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो 100% तक कंप्लीट हो चुका है सिविल वर्क का। यहाँ पर अब जो काम किया जाएगा वो किया जाएगा ट्रैक स्लैब को डालने का, उसके बाद ओवरहेड वायरिंग को इंस्टॉल करने का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस स्टील ब्रिज से जब आप आगे जाएंगे तो फिर RRTS की ये जो लाइन है वो अंडरग्राउंड को हो जाएगी, जहां पर इसका अगला स्टेशन आएगा आनंद विहार का, और हम और आप भी उस स्टेशन की तरफ चलने वाले हैं, यानी कि देखते हैं कि कितना कुछ काम आनंद विहार स्टेशन के ऊपर हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो ये है जगह जहां पर आनंद विहार का इसका स्टेशन होने वाला है, ये अंडरग्राउंड हिस्सा होने वाला आनंद विहार में। यहां पर देखोगे तो ये आनंद विहार का जो रेलवे स्टेशन है उससे आसानी से कनेक्टिविटी मिल जाए, इस वजह से इस जगह का चयन किया गया है और इस जगह पर स्टेशन बनाया गया है। साथ ही साथ यहां पर मेट्रो का दो स्टेशन है, जी दो लाइन है मेट्रो की, उन दोनों से भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहां पर गाजियाबाद का बस अड्डा भी है सामने, तो मतलब ये जो रोड देख रहे हो ना, इस रोड के राइट हैंड साइड में पूरा उत्तर प्रदेश है और इस तरफ दिल्ली है, तो उत्तर प्रदेश वाले ISBT से भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी जो कि गाजियाबाद का है, और आनंद विहार ISBT से भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी जो कि ये आप देख रहे हो। इन सभी से कनेक्टिविटी देने के लिए इस जगह पर अगर आप देखोगे तो अंडरग्राउंड स्टेशन का हिस्सा बनाया है और कॉन्कोर्स एरिया को ऊपर बनाया है ताकि आसानी से कनेक्टिविटी मिल जाए। तो कॉन्कोर्स एरिया जमीन के ऊपर और जो प्लेटफॉर्म है जहां से ट्रेन आप बोर्ड करोगे वो जमीन के नीचे है, और ये इसलिए बनाया गया है कॉन्कोर्स एरिया को जमीन से ऊपर ताकि ये जो जितने भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम है ना यहाँ पे अवेलेबल, चाहे वो एक रेलवे स्टेशन हो, दो यहाँ पर बस अड्डा हो और दो मेट्रो स्टेशन हो, इन सभी से कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाए, इसी वजह से कॉन्कोर्स एरिया को जमीन के ऊपर बनाया गया है, इजिली कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। आनंद विहार स्टेशन का अंडरग्राउंड का हिस्सा मैं ट्राई करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपको अपडेट दिखाऊँ कि कितना कुछ अंडरग्राउंड हिस्से पे काम हुआ है, कितना कुछ रह रहा है, लेकिन इस जगह पर अगर फिलहाल अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले हिस्से पे अभी फिलहाल आपको ज़्यादा कुछ काम देखने को मिलेगा नहीं। तो चलिए ये था अपडेट दिल्ली मेरठ RRTS के दिल्ली वाले हिस्से का, दिल्ली में जितने भी स्टेशन आ रहे हैं उन सभी का अपडेट हमने और आपने आज मिलकर देखा है। जल्दी आपको दिल्ली NCR के आसपास चल रहे और भी काम को हम और आप देखने वाले हैं। विजिबिलिटी इस वक्त थोड़ी कम है फॉग की वजह से, इसीलिए ज़्यादा अपडेट दे पाना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि भाई वेदर तो देख ही रहे हो आप, तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से आप बहुत कम शूट कर पाते हो, और शूट इसलिए कम कर पाते हो क्योंकि ड्रोन अगर आप फ्लाई भी करोगे तो आपको ज़्यादा दूर तक का कुछ दिखेगा भी नहीं, और कई बार तो पास का भी नहीं दिखता। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जिस दिन सनलाइट निकलती है उस दिन मैं जाकर फटाफट कंस्ट्रक्शन का अपडेट कवर करूँ और उसको आपको दिखाऊँ। तो इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ किसी और परियोजना पर किसी और अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली NCR में फॉग है, मतलब ज़्यादा विजिबिलिटी है नहीं, तो आप अगर दिल्ली NCR से बाहर रहते हैं और आपके राज्य में या आपकी सिटी में
मतलब सनलाइट निकल रही है ना भाई, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, मैं ट्राई करता हूँ उस जगह पे आके एटलीस्ट उस सिटी का या उस राज्य का कंस्ट्रक्शन का अपडेट ही कवर कर लेता हूँ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी थोड़ा टफ है। आने वाले 10-15 दिनों में तो विजिबिलिटी ऐसी रहेगी भाई, लो रहेगी। तो आप अगर किसी और राज्य से देख रहे हो या किसी और सिटी से देख रहे हो जहाँ पे धूप निकल रही है और मेरे लिए कुछ काम है दिखाने को, तो प्लीज़ भाई कमेंट करके बताना। आपका भाई पूरी कोशिश करेगा उस सिटी में, उस राज्य में आकर उस प्रोजेक्ट को कवर करके दिखाने का, क्योंकि घर पर बैठे बैठे मैं भी बोर हो जाता हूँ यार, सच बता रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना ताकि और भी लोग इसे देख पाए, और शेयर भी कर देना। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ।